हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका. वेलकम बैक. आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी. एक क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे बेसिकली, कि हम एग्जामिन करेंगे कि व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम के द्वारा दी गई है. इसकी क्रिटिक्स कौन है, मतलब क्रिटिसिज्म कैसे किया गया है बहुत सारे स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट के द्वारा बेंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी को. और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, एक तरीके से इसकी रिलेवेंस क्या है. तो ये सारी इम्पॉर्टेंट डायमेंशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. सबसे पहले शुरू करेंगे हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में जो आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. और हम ये भी देखेंगे कि जो ये कॉन्सिक्वेंसलिस्ट थ्योरी है ये कैसे रिलेटेड है, ये क्या है. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा ये आज का. और जो स्लाइड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है. इतनी ईजी है कि आपको ये कंसेप्ट ना आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. और यही एक बेहतर तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो और फिर आप अपने वर्ड्स पे इसे एक्सप्लेन कर सकें. तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूं तो यहाँ पर ब्रीफ अबाउट मी. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. मैंने अपने इस चैनल में ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो कवर किया हुआ है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी डायमेंशन. तो अगर आपको चेकआउट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां पर ये सारे वीडियोस आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल सकें. ओके, बाकी मेरा एक और चैनल है चैट पोस्ट, जिसको भी जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे. और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में. अगर आपको कोई एकेडमिक नीड है या कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा गाइस. तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी. ओके, तो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी एक तरीके कि एथिकल थ्योरी है, वो भी कॉन्सिक्वेंसलिस्ट एथिकल थ्योरी. अब ये कॉन्सिक्वेंसलिस्ट एथिकल थ्योरी क्या है, तो जहां पर एक्शन को उसके कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर जज किया जाता है. कॉन्सिक्वेंसलिस्ट एथिकल थ्योरी क्या है, जहां पर किसी भी एक्शंस के जो आउटकम्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जिसे हम परिणाम कहते हैं या रिजल्ट्स कह सकते हो आप, तो जो भी एक्शन लिया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा, फॉर एग्जांपल कोई एक्शन लिया आपने, कोई कार्य किया, तो उसके जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके आधार पर उस एक्शन की मोरालिटी को जज करना, मोरल स्टेटस डिटरमाइन करना उस एक्शन का, कि वो एक्शन मोरल है मतलब एथिकल है या अनएथिकल है, इस तरीके से जज करना. और ये किस आधार पर आप जज करोगे, उसके जो एक्शन लिया गया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं. सिंपल सा समझ में आया. तो ये जो अप्रोच है, कॉन्सिक्वेंसलिस्ट अप्रोच है, जो ये एक ऐसा अप्रोच है जिसके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो मोरल हो सकती है. और ये फोकस करता है इसका बेसिकली कि भाई ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल या सोसाइटी को मैक्सिमाइज कर सकें और जो हार्म्स हैं उसको मिनिमाइज कर सकें. देखो, जब किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर आप जज करोगे आउटकम्स कि वो मोरल है कि नहीं, तो इससे क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भाई मैक्सिमम वेल बीइंग हो रहा है कि नहीं, मैक्सिमम लोगों की जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज हो रही कि नहीं, और जो हार्म है, जो नुकसान है, वो कम हो रहा है कि नहीं. समझ में आया कि व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसलिस्ट एथिकल थ्योरी. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मी बेंथम के द्वारा 18th सेंचुरी में. फिर हम देखेंगे कि फर्दर J.S. मिल ने इसमें अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, तो J.S. मिल का हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, तो बेंथम का ये मानना था कि किसी भी एक्शन की जो मोरालिटी है वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बेसिस पर जज किया जाना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या है, वही सेम चीज़ जो कॉन्सिक्वेंसलिस्ट थ्योरी है, इसी को अप्लाई करना है यहाँ पर, कि किसी भी जो कोई भी एक्शन है वो डिज़ायरेबल है या उसकी यूटिलिटी है. ओके, यूटिलिटी किस आधार पर है, कि भाई वो एक्शन मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है और जो सफरिंग है उसको मिनिमाइज कर रहा है. This is the utility. Okay, अगर किसी action में ये principle लागू होता है या apply होता है तो वो action moral हो जाएगा.
ओके तो इस लेक्चर इस जो ये आज का लेक्चर है इसमें हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप कि एक बैकग्राउंड बन गया होगा आपको अब ये समझने में कि जो बेंथम है उनका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हम पढ़ने वाले हैं और व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसलिस्ट थ्योरी, ये समझ में आया होगा। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया इसको थोड़ा और डिटेल में समझें, तो आप देखोगे कि इसका पहला फीचर होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ओके, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल, आपने ये एक कोटेशन पढ़ी होगी बेंथम के बारे में। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी एक्शन को एथिकल या अनएथिकल डिसाइड करने पे हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, जो पहला एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का। ओके, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल ये ही है कि जो कोई भी एक्शन एथिकल तभी है जब यहाँ पे ये प्रमोट करेगा आपका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को। ओके, और वो भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी में कुछ 100 पीपल्स रह रहे हैं, अब इन 100 पीपल्स का मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतने लोगों की मैक्सिमम हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करना या इंश्योर करना, और उनके जो 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 अनहैप्पीनेस है, जो उनका हार्म्स है, उसको मिनिमाइज करना। तो यहाँ पर ये हो गया ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। हेडोनिस्टिक कैलकुलस की बात की है बेंथम ने अपने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे, जहाँ पर बेंथम कहते हैं कि प्रिंसिपल जो हेडोनिस्टिक कैलकुलस एक मेथड है जिसके द्वारा हम ये जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है इसको मेज़र कर सकते हैं, और वो भी ये क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी क्या है प्लेजर की या पेन की, ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सर्टेनिटी क्या है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम प्लेजर और पेन, जो हैप्पीनेस है एंड सफरिंग है, उसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर J.S. मिल के द्वारा फर्दर किया जाएगा। J.S. मिल कहेंगे कि भाई ये सिर्फ क्वांटिटी के आधार पर नहीं डिसाइड किया जाना चाहिए, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्लेजर एंड पेन भी मैटर करेगा। ये कौन कहेगा आपका? J.S. मिल कहेंगे। ओके, जब हम J.S. मिल पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। तो हेडोनिस्टिक कैलकुलस समझ में आया कि एक मेथड है, एक फॉर्मूला है या एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम ये मेज़र करते हैं कि जो प्लेजर और पेन है इनको कैसे अब इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड सर्टेनिटी के पैरामीटर्स के आधार पर आप मेज़र कर सको, क्वांटिटी में नंबर्स निकाल सको, 1, 2, 3 इस हिसाब से। ओके, तो हेडोनिस्टिक कैलकुलस समझ में आया। तीसरी बात करें अगर हम प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक की, तो बेंथम कहते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, ये क्वांटिफिएबल कॉन्सिक्वेंसेस को मेज़र करता है, ये एसेस करता है। अब जब हम हेडोनिस्टिक कैलकुलस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हम कुछ पैरामीटर्स पे प्लेजर और पेन, जो हैप्पीनेस और सफरिंग है, उसको मेज़र कर सकते हैं, तो इसी की वजह से ये क्या है? क्वांटिफिएबल है, मतलब हम इसे नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यूटिलिटेरियनिज्म इन्वॉल्व करता है कि भाई जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन है ना, उसको हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे मान लीजिए नंबरिंग कर दी गई कि जैसे मान लीजिए ये पर्सन, ये एक्शन ए है, इसने जो हैप्पीनेस है वो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, और जो जो सफरिंग है ये इसने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर मैक्सिमम हैप्पीनेस आया कि नहीं आया, मेज़र किया आपने क्वांटिटी में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे रिप्रेजेंट किया। अब वो यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, ओके, बट क्वांटिटी में हम इस पे, मतलब नंबर्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थे 3 प्रिंसिपल, जो थ्री एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी जो बेंथम के द्वारा डेवलप किया गया। पहला ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, हेडोनिस्टिक कैलकुलस एंड क्वांटिफिएबल कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज किसके? एक्शन के, जो लिए जा रहे हैं, जिस एक्शन को हम जज कर रहे हैं कि ये मोरल है या मतलब एथिकल है या अनएथिकल है। ओके, अब जब बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो इसमें आपको यूटिलिटेरियनिज्म की 2 डायमेंशन मिलती हैं। एक है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा है रूल यूटिलिटेरियनिज्म।
एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम के द्वारा ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि ये एक जो एक्शन है वो एथिकल है अगर ये मैक्सिमाइज करता है हैप्पीनेस को इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर रहा है. तो ये है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म. रोल यूटिलिटेरियनिज्म के तहत क्या आता है कि कोई एक्शन एथिकल तब है जब ये जो प्लेजर है जो हैप्पीनेस है उसको मैक्सिमाइज कर रहा है लॉन्ग टर्म पे, ना कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे. ये है रोल यूटिलिटेरियनिज्म. दोनों में अंतर समझ में आया? तो अगर हम कंपैरिजन करें एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म के बीच में, तो आप पाएंगे कि जो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है ये मोर फ्लेक्सिबल है, जबकि जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है ये स्टेबल है एंड कंसिस्टेंट है. स्टेबल और कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसे लॉन्ग टर्म के आधार पर जज कर रहे हैं. यहाँ पर हम जो किसी भी एक्शन की जो आउटकम्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के आधार पर एसेस कर रहे हैं या मेज़र कर रहे हैं, जबकि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म मोर फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हम इसे पर्टिकुलर सिचुएशन पे जज कर रहे हैं. ओके, तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के तहत कोई एक्शन एथिकल है अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हैप्पीनेस या प्लेजर को मैक्सिमाइज कर रहा है और सफरिंग या हार्म को मिनिमाइज कर रहा है. रोल यूटिलिटेरियनिज्म लॉन्ग टर्म के सिचुएशन के आधार पर हम किसी भी एक्शन को एथिकल वे पे जज करेंगे. गेटिंग इट? अभी यहाँ पर एक्ट वर्सेस रूल यूटिलिटेरियनिज्म में समझ में आया? ये की जो वर्ड्स है ना, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, इनको ध्यान रखिएगा आप. तो इनके दोनों के बीच में आप कंपैरिजन भी कर लोगे. कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि व्हाट इज़ एक्ट एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म. तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. ओके, फर्दर बात करते हैं हम क्रिटिक्स ऑफ द बेंथम थ्योरी की, कि बेंथम थ्योरी को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है. बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया बेंथम थ्योरी, जो बेंथम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, एक पिक फिलॉसफी बोली गई कि बस ये अननेसेसरी ब्लाइंडली हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, वो भी मेजॉरिटी पीपल्स के. ओके, तो देखते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म लेते हैं यहाँ पे. पहला है कि डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग प्लेजर एंड पेन. कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई बेंथम कह रहे हैं कि हम हेडोनिस्टिक जो कैलकुलस है उसके आधार पर प्लेजर और पेन को मेज़र कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स पे. तो क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई जो प्लेजर एंड पेन है ना, ये सब्जेक्टिव थिंग है. ओके, और ये ओपन टू मैनिपुलेशन है. आप इसे कैसे मेज़र कर सकते हो क्वांटिटीज़ में या सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे? कैसे मेज़र करेंगे आप प्लेजर और पेन के? देखिए, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है. अब इस पर्सन ए के लिए हैप्पीनेस कुछ भी हो सकता है दूसरा मतलब, और इस पर्सन के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है. आप कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे, कैसे मेज़र करेंगे इस चीज़ को, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. जैसे मान लीजिए आप और मैं हैं यहाँ, मेरे लिए हैप्पीनेस की मीनिंग कुछ और हो सकती है. जैसे मान लीजिए इस तरीके के लेक्चर्स लेने में मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है. ओके, तो मेरा हैप्पीनेस इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, आपकी हैप्पीनेस कुछ और हो सकती है. तो यहाँ पर हैप्पीनेस का जो मीनिंग है, जो एक वर्ड है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. अगर ये ओपन टू मैनिपुलेशन हो जाएगा, आप इस तरीके से तो मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे. अगर हैप्पीनेस को एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल डेफिनेशन दे दी आपने, तो ये ओपन टू मैनिपुलेशन है. जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो कहेगी भाई हम ये एक्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर रहा है. बट आप जो जनता है, जो सिटीजन से, आप उनसे पूछो ना उनके लिए हैप्पीनेस क्या है. ओके, तो ऊपर से आप बात कर रहे हो यहाँ पे कि ग्रेटेस्ट पीपल की बात, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल की, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेजॉरिटी आ जा रही है. तो यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं या माइनॉरिटीज़ के जो सेंटीमेंट्स हैं या माइनॉरिटीज़ की जो हैप्पीनेस है, यहाँ पर उन माइनॉरिटीज़ का ऑपरेशन हो सकता है. एक तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर ओवरलुक किया जा सकता है या एक तरीके से साइडलाइन किया जा सकता है. ओके, और यहाँ पर जब तक आप मेजॉरिटी करेंगे, आप बात कर रहे हो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, तो अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पीपल्स होंगे, व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट द सेंटीमेंट्स, व्हाट अबाउट द हैप्पीनेस एंड प्लेजर ऑफ दीज माइनॉरिटी पीपल्स. तो जो कम संख्या में लोग हैं
उनके प्लेजर, हैप्पीनेस या सफरिंग को कैसे आप ओवरलुक कर सकते हो। हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी है। तो यही चीज़ अब आ जाएगी। फर्दर कुछ क्रिटिक्स कहेंगे कि जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है, इसको अगर आप यूनिवर्सल थ्योरी बना रहे हो तो इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। ओके, यहाँ पर हैप्पीनेस ऑफ द मेजॉरिटी को हम जो 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 माइनॉरिटी पीपल्स हैं उनकी फ्रीडम एंड डिग्निटी के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ओके, सो ह्यूमन एथिक्स कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। ओके, आप कैसे कह सकते हो अब इस तरीके से, अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को अप्लाई करोगे तो ये जो मेजॉरिटी पीपल्स हैं उनके लिए प्रिविलेज हो जाएगा, लेकिन जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं उनकी फ्रीडम और डिग्निटी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये कुछ क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू थे जो कहते हैं कि बिंथम थ्योरी को इस तरीके से, मतलब आप यूनिवर्सल नहीं बना सकते, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का स्टेटस या ओवरलुक हो सकता है, या यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो प्लेजर और पेन है ये बहुत ही सब्जेक्टिव थिंग है और इस तरीके से आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसको पैरामीटर्स पे मेज़र नहीं कर सकते हो। तो आपको ये क्रिटिसिज्म समझ में आया कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई इनोवेटिव वे हो बिंथम को क्रिटिसाइज़ करने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे, आपका कोई, आप किस तरीके से देखते हो बिंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को, आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप फेवर में हो या इसके अगेंस्ट में हो, और अपना जो लॉजिक है ना, जो अपना जो जो उसको डिफाइन करने का जो आर्गुमेंट रहेगा वो मुझे उसके साथ दीजिएगा अपना लॉजिक कि आप अगर मान लीजिए बेंथम थ्योरी को आप क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हो, आप कैसे क्रिटिसाइज़ करोगे, एक इनोवेटिव वे पे आप मुझे कमेंट करिएगा। आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं गाइस, सीरियसली, और बहुत ही नॉलेज, मतलब जो नॉलेजफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनरिच करते हैं नॉलेज को। सो ये एक तरीके से मेरे नॉलेज को भी इनरिच करेगा और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कुछ नए डायमेंशन को सीखें। तो ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है लर्निंग का, कुछ इसमें हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कैसे क्रिटिसाइज़ करते हो बेंथम थ्योरी को, बेंथम थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज कमेंट करते हैं आप लोग, सो थैंक्स फॉर दैट। तो अभी हमने क्रिटिसिज्म देख लिया। अगर हम ये देखें कि जो अभी कॉन्टेम्पररी इश्यूज़ हैं अभी प्रेजेंट में, उनमें हम यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अब इससे क्या होगा, आप रिलेवेंस दिखा सकते हो कि नहीं भाई क्रिटिसिज्म है बट कुछ इम्पॉर्टेंस भी है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी को, जिसको हम कॉन्टेम्पररी इश्यूज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटलिज्म। अब इन्वायरमेंटलिज्म जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज चीज़ें, ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं और जो कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इश्यूज को हम कैसे एड्रेस करें। बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं डिज़ाइन किए गए हैं, देन इसके बाद से पेरिस एग्रीमेंट आपने देखा होगा 2015 में, जिसमें से सभी कंट्रीज़ के कोऑपरेशन इंश्योर करने की बात की गई कि हर कंट्री अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे ताकि हम इस ग्लोबल इशू को एड्रेस कर पाएँ। तो यूटिलिटेरियनिज्म कैन बी यूज टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो अब इन्वायरमेंटल बेसिस पे क्या करते हैं भाई, देखो आप मॉडर्नाइजेशन को रोक नहीं सकते हो, मॉडर्नाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक नहीं सकते हैं या अर्बनाइजेशन को नहीं रोक सकते हैं। ओके, या जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आप यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो हार्म्स है ना उसको मिनिमाइज़ करो। तो जब भी कोई ऐसा डिसीज़न, कोई नया शहर बसाया गया, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि हमें कोशिश ये करना है कि जो हार्म्स है इन्वायरमेंट को, जो हार्म हम पहुँचा रहे हैं, जो नुकसान हम पहुँचा रहे हैं, वो कितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि अब स्वाभाविक सी बात है, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, शहर बसेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड बनेंगी, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज आएगा, पोल्यूशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें देखना है कि हम क्या चीज़ अपनी जो पॉलिसी है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि जो हार्म है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। ओके, तो इन्वायरमेंटलिज्म में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है सोशल जस्टिस।
अब देखो, सोशल जस्टिस के लिए यूटिलिटेरियनिज्म एक यूजफुल टूल हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है। जैसे कि किसी भी सोसाइटी में आपको देखना है कि वहाँ पर जो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि हमें उन्हें ओवरलुक करना, हमें देखना है कि हम मैक्सिमम कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है उनको कैसे सोशल जस्टिस मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा सकते हैं। देन पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है ये हमें हेल्प कर सकती है ऐसी पॉलिसीज़ आइडेंटिफाई करने में जो प्रमोट करें जो हेल्थ एंड वेलनेस वाला कंसेप्ट है उसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे, एंड एक्सेस टू हेल्दी फूड ऑल। तो एक तरीके से आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा होगा जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्दी फूड फॉर ऑल, या हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर ऑल, इस तरीके से। ओके, तो जो एक्सपर्ट है उन्हें मानना है कि जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी इशूज चलते हैं उसमें हम अगर इस प्रिंसिपल को यूटिलाइज करें, अप्लाई करें, तो हम कर सकते हैं ताकि प्रेजेंट में जो हम पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाए जहाँ पर हम जो हार्म है ना उसको मिनिमाइज़ कर सकें। ओके, तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन हो सकता है कॉन्टेम्पररी इशूज़ में। अगर आप अपने आंसर्स में इस तरीके के पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे करंट अफेयर से जोड़ के, तो आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन मिलेगा इस चीज़ पर। बट मेरा मतलब ये है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया यहाँ पर कि नहीं। अगर हम अल्टरनेटिव एथिकल थ्योरीज़ की बात करें, भाई जो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है एक कॉन्सिक्वेंसलिस्ट एथिकल थ्योरी है। अगर इसकी और अल्टरनेटिव एथिकल थ्योरीज़ की बात करें जो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो है एक कांटियन एथिक्स। ओके, कांटियन एथिकल थ्योरी क्या है? ये कहते हैं कि इमैनुअल कांट के द्वारा डेवलप की गई, और इनका मानना है कि जो पीपल्स हैं ना उनको एज अ एंड इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि जो पीपल्स इंडिविजुअल हैं वो अपने आप में एंड है, ना कि मीन्स। अब मैं एंड और मीन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी अगर आपको ना पता हो। एंड और मीन्स का मतलब, देखो एंड का मतलब ये होता है गोल, एक तरीके से गोल है। ओके, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, फाइनल जो होता है। मीन्स का मतलब होता है एक वे टू अचीव दिस गोल। ओके, एंड और मीन्स, मीन्स का मतलब है एक मैकेनिज्म, एक तरीका है, एक वे टू अचीव दिस एंड या दिस गोल। तो यहाँ पर कांट, इमैनुअल कांट कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आप में एक एंड है, उनको इंडिविजुअल को एज अ मीन नहीं यूज़ किया जाना चाहिए टू अचीव समवन एल्स गोल्स। ओके, तो यहाँ पर एक ये ऑल्टरनेटिव थ्योरी हो सकती है। देन वर्चू एथिक्स, जो वर्चू एथिक्स है ये फोकस करती है किसमें, जो मोरल, जो कैरेक्टर ऑफ द मोरल एजेंट है, और कल्टीवेशन ऑफ द वर्चूज जैसे कि कंपैशन, करेज एंड जस्टिस। ये एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी हो सकती है जहाँ पर हैप्पीनेस, जो प्लेजर एंड पेन है, इनको इनके अगर अलग से देखें उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देन केयर एथिक्स, केयर एथिक्स इस बात पर जोर देती है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, मतलब एथिकल डिसीजन मेकिंग पे हमें एम्पैथी दिखाना चाहिए जिससे कि हम जो एथिकल वे पे एक्शन ले सके, एथिकल वे पे पॉलिसीज बना सके, गवर्न कर सके, रूल कर सके। ओके, तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव एथिकल थ्योरीज हैं। हम वन बाई वन इनको डिटेल में जब डिस्कस करेंगे, कांटियन एथिक्स को, केयर एथिक्स एंड वर्चू एथिक्स को, तब आपको ये बेहतर समझ पे आएगा। ओके, अगर हम कंक्लूजन की बात करें यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी एडजस्ट दिस। ओके, हाँ, सो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें जो हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम ने इसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया है, इसके बाद से हमने क्रिटिसिज्म देखे, हमने फिर रेलेवेंस देखे। ओके, तो अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें तो आप ये पाएंगे कि जो बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है अभी भी एक इन्फ्लुएंशियल एथिकल थ्योरीज है, एक यूजफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इस बारे में कि ग्रेटेस्ट गुड को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या ग्रेटेस्ट गुड को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं सोसाइटी में, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जाना जिससे कि हम जो भाई हर एक इंडिविजुअल को आप खुश कर सकें, या उसका
वेल बीइंग इंश्योर कर सके, ऐसे में हमें नहीं, अगर आप कर सकते हो तो हमें क्या करना चाहिए, आप इसमें देखो कि इस ग्रेटर गुड कैसे अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम लोगों का गुड कैसे अचीव कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। देन अगर लिमिटेशन की बात करें कि जो बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, इसके कुछ अपने लिमिटेशन है जो हमने क्रिटिसिज्म में देखे हैं, ओके, जैसे कि किस तरीके से ये चैलेंज करता है यूनिवर्सल थ्योरी बनाने में, जो मेजॉरिटी रूल हो सकता है या मेजॉरिटी पीपल्स का डोमिनेंस हो सकता है, माइनॉरिटी को ओवरलुक किया जा सकता है, और या मेज़र कैसे कर सकते हैं हैप्पीनेस या जो प्लेजर है वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है, ये कुछ हमने लिमिटेशंस देखे। तो इन लिमिटेशंस के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, जो इसको कंक्लूड कैसे करते हैं कि इस थ्योरी के जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं, जो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हमको अदर एथिकल थ्योरीज़ और कंसिडरेशन के साथ इनको बैलेंस करके इसे हम अप्लाई कर सकते हैं या प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ये कंक्लूजन हो गया। ओके, तो मैंने आपसे पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म क्या है, आई होप कि आपने अपना क्रिटिसिज्म को सोच लिया होगा, एक ओपिनियन बना लिया होगा, और आप मुझे कमेंट कर रहे होंगे कि भाई हाँ, मेरे हिसाब से ये क्रिटिसिज्म हो सकता है बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को, और मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट्स का और मैं कोशिश करूँगी कि उसे रिप्लाई करने का, तो अपने कॉमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। आई होप कि आपने आज का ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।